तो अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और पिछले कुछ दिनों से आपको भी वही दिक्कत आ रही है जो मुझे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे दिक्कत क्या आ रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको यूट्यूब पर आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मुझे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे एक दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत ये है कि जब आप अपना कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब आप उस ऑर्डर को दोबारा अपने ऑर्डर के सेक्शन में जाकर देखना चाहते हो तो वहाँ पे वो ऑर्डर आपको नहीं दिखाया जाता है और वहाँ पे आपको कुछ एरर दिखाया जाता है जिसकी वजह से आप उस ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह नहीं देख सकते। वो ऑर्डर आपको कब डिलीवर होगा या उसकी कितने क्या पेमेंट है, बाकी सारी जानकारी आप वहाँ पर नहीं देख पाते हो। तो अगर आपको भी यही सेम दिक्कत आ रही है तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। इसका सोल्यूशन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि किसी ना किसी अपडेट की वजह से यह दिक्कत आपके उस एप्लीकेशन में आ रही है जो मुझे भी आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाएं और वहां जाकर देखें कि कोई अपडेट आपके फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के लिए आया हुआ है या नहीं। अगर आया हुआ है तो उसे अपडेट करें और फिर चेक करें कि यह तब भी दिक्कत आ रही है नहीं। अगर तब भी दिक्कत बनी हुई है तो ऐसे में आपको आपके फोन में जो एक एप्लीकेशन होती है जहां से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर के अलावा या फिर अपडेट करते हो, तो वहां से आपको चेक करना है कि कोई अपडेट है कि नहीं। अगर वहां पर अपडेट नहीं है या है तो वहां से अपडेट कर लें, उसके बाद फिर चेक करें। अगर फिर भी दिक्कत बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का जो कैचे है वो डिलीट कर देना है। आप उसकी सेटिंग में जाकर वहां पे आपको कैचे का ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको वहां पे क्लियर कर देना है, उसे रिमूव कर देना है और फिर अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में अपने ऑर्डर के सेक्शन में विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद आपको जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो जैसे ही वो लोड हो रहा होगा उस वक्त, उसी वक्त आपको मतलब एरर दिखाई देगा, लेकिन एरर दिखाने से पहले आपको जल्दी से उसको कैंसिल कर देना है, यानी कि अपने होम पेज पे आ जाना है बिना उसको रिसेंट बार में से हटाए। अब वो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन चलती रहेगी और जब आप होम पेज पे होंगे तो ऐसे में आपको कुछ थोड़ी देर के लिए वेट करना है, करीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, और इतनी देर आपको वेट करने के बाद दोबारा से अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे विजिट करना है। और विजिट करने के बाद जैसे उस पेज पे आप आएंगे दोबारा तो आपको वो दिक्कत नहीं दिखाई देगी और आपके जो भी ऑर्डर की डिटेल्स हैं, चाहे आप प्रीवियस ऑर्डर हो आपके या फिर जो लेटेस्ट ऑर्डर है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आपको वहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी और आपको ये दिक्कत नहीं आएगी जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो एक टेम्प्ररी यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंटली सॉल्यूशन तभी होगा जब इसका नया अपडेट आएगा और इस बग को यहाँ से रिमूव किया जाएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को या आपके जान पहचान में किसी के फ़ोन में ये दिक्कत उनको नहीं आ रही हो, क्योंकि हो सकता है उनकी जो स्मार्टफोन की कंपनी है उसका ब्रांड अलग हो जिसमें कि ऐसा कोई बग उनको नहीं मिला है। लेकिन मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, मुझे ही दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास भी सैमसंग का फ़ोन है और आपको भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर आपके पास किसी और अदर कंपनी का स्मार्टफोन है तब भी आपको दिक्कत आ रही है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा ताकि हमें पता तो चले कि आखिर दिक्कत किस किस को आ रही है। और इसका सोल्यूशन फिलहाल तो यही है जो मैंने आपको बताया है, और आई होप आपको जो ये जानकारी मैंने दी है वो काम आएगी आपके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।